गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। गुजरात में कोरोना वायरस के मामले जो है वो 22 जिलों में सामने आ चुके हैं। 22 जिलों में अब तक 695 केस दर्ज हो गए हैं, जिनमें से हम मौत का आंकड़ा गिने तो 30 लोगों की अब तक गुजरात में मौत हो चुकी है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों के रिकवर होने की बात करें तो अब तक 59 लोग कोरोना वायरस से जीत कर रिकवर होकर बाहर निकले हैं। अहमदाबाद शहर की बात करें तो अहमदाबाद शहर में यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा अगर गुजरात में फैलता हुआ नज़र आ रहा है तो वह अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद शहर में 404 मामले कोरोना के पॉजिटिव दर्ज हुए हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई शहर कोरोना का संक्रमण जिसमें ज़्यादा है तो वह है वडोदरा शहर। वडोदरा शहर में भी यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है और उसमें भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। वडोदरा शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 116 है और जिसमें आज नए 5 मामले दर्ज होने के बाद यह संख्या 122 तक पहुंच गई है। भावनगर की बात करें तो भावनगर जिला में 26 मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं, जबकि सूरत में यह आंकड़ा 50 तक पहुंचने वाला है। अब तक सूरत में कोरोना पॉजिटिव के 48 मामले दर्ज हो चुके हैं। राजकोट में बात करें तो राजकोट में 18 जितने पॉजिटिव मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। गांधीनगर में 16 मामले दर्ज हुए हैं। पाटन में 14 मामले दर्ज हैं। आनंद में 10, भरूच में 11 मामले कोरोना पॉजिटिव के दर्ज हुए हैं। बाकी सब शहरों की बात करें तो इन शहरों में बहुत ही कम मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। पंचमहाल और छोटा उदयपुर की बात करें तो वहां पर सिर्फ 5-5 मामले ही कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। कच्छ और महसाणा में 4 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पोरबंदर में 3 और दाहोद में और बनासकांठा जिला की बात करें तो वहां पर कोरोना पॉजिटिव के 2-2 मामले सामने आए हैं। गिर सोमनाथ में भी कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ हम बात करें मोरबी जिला की, जामनगर की, साबरकांठा की, खेड़ा की और बोटाद की, तो सभी जगहों पर एक एक मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं।